सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सबको। आप सब बताइए कैसे हो। मैं भी बढ़िया हूँ। जैसा कि आप लोगों को मतलब पता ही है कि नानू की डेथ हो गई थी, इसलिए हमारे ब्लॉग्स कंटिन्यू नहीं आ रहे थे, लेकिन अब से कंटिन्यू आएंगे। सो आप सबको ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। और ये है हमारी माताश्री, ये जो बैठी हुई है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। हम लोग ठीक है, तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार भी आ रहा है। परी ने शुरुआत कर दी, कर लो कहीं से तो करो, इतने दिन हो गए ब्लॉग नहीं आ रहा। और बंटू भी नहीं रह रही नीचे। चलो और सब आज का दिन देखते हैं क्या जाता है। शाम को जाना है सामान लेने के लिए, थोड़ा बहुत घर का राशन पानी भी खत्म हो रखा है, तो देखते हैं। तू बनाएगी सब्जी आज? चलो आज मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ। तो गाइस आज मैं बनाऊंगी सब्जी। सो अभी हम लोग चलते हैं किचन में। और क्या आ गया हम लोग किचन में। अब सबसे पहले तो चल कुकर रख और गैस जला। अब कुकर रख दिया, परी ने गैस जला दी। चल तेल डाल इसमें, बस बस जब तक तेल सफ़ेद होता ना तब तक इसको रखा रहने दे 2-4 मिनट। अब तेल सफ़ेद हो गया है इसमें, और ले थोड़ा और, हाँ आधा चम्मच जीरा, अभी प्याज डाल, करी बोले बाबा डाल। प्याज हरी मिर्च डाल दिया करी ने, सीप सब्जी रोटी बना ला। तो मैं कहीं कल चले जाऊँ तो खाना बना के खा सके। अब इसको भुनने दे, जब ब्राउन हो जाए तो इसमें बाकी के मसाले डालना। तो बना कौन सी रही है सब्जी? टमाटर नहीं, मटर वाली थी। चल फिर जल्दी से आप टमाटर काट ले। टमाटर काटूं मैं? अब टमाटर डालो, बस अब हल्दी डाल। छुंछा मम्मा हल्दी डाल दी 1 चम्मच, पकड़ो इतनी लाल मिर्च आधी चम्मच, क्योंकि हरी 6-7 डाल दी थी। अब इसको चला दे, एक चम्मच नमक डाल दे, टमाटर डाल दे। एक चम्मच धनिया पाउडर, चला चला मतलब थोड़ी देर के लिए छोड़ दे। आलू वो सॉरी टमाटर गल जाए, टमाटर जैसे गल जाएंगे इसमें मटर डालियो, मटर को थोड़ी देर 1 मिनट फ्राई करके फिर आलू डालियो, ठीक है। चल पहले कड़छी से देख ग्रेवी हो गई है तैयार, चल अब इसको छोड़ और मटर डाल इसमें। डालो मटर, गले में दर्द हो रहा, खराश हो गई, खांसी भी हो रही है, जल्दी डालो। बस अब इसको चला, बस अब वो कर आलू डाल, हाँ
चला अभी इसको थोड़ा, अब थोड़ा उसमें पानी ले ले, पानी लेके आ, उसमें पानी डाल, अब गिलास से पानी डाल, एक गिलास और ले गया। दो गिलास बस, अब इसको चला। चल अब ढक्कन लेके उसका ढक्कन बंद कर दो, कच्ची निकाल के प्लेट के ऊपर रख दे। जा ढक्कन लगाओ, लगा दो। हाँ चलो गाइस, अब इसको हम देखेंगे 20-25 मिनट में, जब इसमें 2-3 सीटियाँ आ जाएं, फिर मिलते हैं। सब्जी तो देखने में तो सही लग रही है। हाँ बस ये परी ने बनाई है। आलू भी गल गए, चलो अब इसमें डालते हैं हरा धनिया। मम्मा मरी क्यों? चलो सब्जी हो गई है रेडी, बंद करके। 1-2 नहीं, ये बनी आलू मटर की सब्जी, धनिया हरा डाल दिया। यहाँ गाइस हम पहुँच गए विशाल मेगा मार्ट में। ये अंदर कपड़ों का सेक्शन है, फर्स्ट फ्लोर पे ही है, वो सॉरी ग्राउंड फ्लोर पे ही है कपड़ों का सेक्शन। तो यहाँ मैं सोच इसके परी के इनर लेनी थी और मैं अपने लिए कुर्ते देख रही थी, तो मुझे सामने ही ना एक कुर्ता पसंद आया, ये ब्लैक और ये पिंक से फ्लावर वाला, पर इसमें मेरा साइज ही नहीं था। जितने भी मैंने यहाँ कुर्ते देखे ना, सूट देखे, मेरा साइज था ही नहीं, कोई एक्सल था, कोई ट्रिपल एक्सल था, कभी 4XL था, पर मेरा साइज नहीं था। यहाँ मैं डबल एक्सल इनर देख रही थी अंदर के लिए ना, तो वो मुझे मिल ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल में मिला, तो 2 पीस मैंने लिए। फिर मैं फिर कुर्ते देखने लगी, शायद मेरे नाप का मिल ही जाए, मिला ही नहीं मेरे नाप का। अब देखते हैं मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। फिर चले, एक तो गले ने बैंड बजा दिया। कुर्ते तो अच्छे अच्छे लग रहे थे पर मेरे नाप का मिल ही नहीं रहा, दुख की बात है। देख ही रही हूँ मिल जाए शायद, जितने भी कलर मेरे को पसंद आए पर मेरा साइज था ही नहीं। मैंने पूछा भी था उनसे जो यहाँ स्टाफ काम करता है, या तो मैम आपका साइज नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ मैं पानी की बॉटल देख रही थी, क्वालिटी अच्छी नहीं लगी मुझे, मैं ऊपर चली गई। यहाँ चुन चुन के लिए खिलौने देख रही थी मैं, पर ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा था कि भी जो चुन चुन खेलती भी रहे और उसके पास परमानेंट बना भी रहे, क्योंकि वो तो तोड़ मचोड़ के खा के फेंक देगी। तो मैं कहा देखती हूँ कुछ तो मिलेगा चुन चुन के लिए टॉय, नहीं मिला। पर तो मैं एक बॉल टेनिस की जो बॉल होती है वो ले गई थी। अब यहाँ ऊपर सेकंड फ्लोर पे है सब ग्रोसरी का सामान,
यहाँ आपको राशन, बर्तन, आपको जो चाहिए हाउस क्लीनिंग का, सब का ए टू जेड यहाँ पे ऊपर मिलेगा सेकंड फ्लोर पे। तो मैंने यहाँ से चीनी ली, चाय पत्ती ख़त्म हो रही थी, राजमा, चावल, बिस्किट, मैगी, ये सब सामान मैंने लिया। ये सब लेने के बाद फिर देखती ही जा रही थी, जो समझ में आ रहा था वो उठाना था मुझे। इन लोगों ने ना सामान मैनेज करके नहीं रखा, यहाँ का स्टाफ कुछ ढीला ही है, कंप्लेन करनी पड़ेगी। चलो गाइस आज का इतना ही, कल मिलेंगे। और आप देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक शेयर कमेंट करके प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो। आप ना ब्लॉग देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, मैं यूट्यूब फैमिली, आप कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।